करीब एक साल से भी लंबे वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान आज घर लौटने का ऐलान कर सकते हैं। किसानों और सरकार के बीच सहमति बन रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को कहा कि उनकी लंबित मांगों को लेकर केंद्र के संशोधित मसौदा प्रस्ताव पर आम सहमति बन गई है और आंदोलन के लिए भविष्य की रणनीति तय करने को लेकर आज बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर होनी है। इसी बैठक के बाद किसानों के घर लौटने का ऐलान भी किया जा सकता है। एसकेएम के सूत्रों ने कहा है कि नए मसौदा प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से औपचारिक संदेश प्राप्त होते ही किसानों का आंदोलन तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। किसान नेता और एसकेएम कोर समिति के सदस्य गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि लंबित मांगों के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से पहले प्राप्त हुआ प्रस्ताव का मसौदा स्वीकार करने योग्य नहीं था, जिसके बाद केंद्र ने बुधवार को नए सिरे से प्रस्ताव का मसौदा भेजा है। एसकेएम के सूत्रों के अनुसार भेजे गए नए प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बनी समिति में सरकार एसकेएम के सदस्यों को शामिल करेगी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की सरकारें किसानों के खिलाफ दर्ज मामले तुरंत प्रभाव से वापस लेने पर सहमत हो गई है। दिल्ली में किसानों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। एसकेएम कोर कमेटी की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में चढ़ूनी ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर हम सरकार से सहमत हैं। कल की बैठक के बाद हम आंदोलन को स्थगित करने पर फैसला लेंगे। आंदोलन वापस लेने के संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। एसकेएम की आज की दोपहर 12 बजे की बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एसकेएम ने एक बयान में कहा कि सरकार के ताजा प्रस्ताव पर आम सहमति बन गई है। अब सरकार के लेटर हेड पर औपचारिक संवाद का इंतजार है। एसकेएम की दोपहर 12 बजे फिर से सिंघू बॉर्डर पर बैठक होगी। इसके बाद मोर्चा उठाने के संबंध में औपचारिक फैसला भी आज लिया जा सकता है। यानी आज या तो घर वापसी होगी या फिर ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा।